नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, ICR, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है, 100 प्रश्नों की सीरीज है। इसके अंदर मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके एग्रीकल्चर TA, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, इन एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से एरेबल फसल का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है एरेबल क्रॉप्स का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा, आलू, तंबाकू, धान या सभी। तो एरेबल क्रॉप का जो उदाहरण हो जाएगा, आलू भी है, तंबाकू भी है और धान, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक ही खेत में निश्चित पंक्ति में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है? एक ही खेत हो, निश्चित पंक्ति हो, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ अगर उगा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित खेती, मिश्रित फसलें या अंतरा फसलें या सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर अंतरा फसलें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। भूमि की उर्वरता शक्ति और उत्पादन शक्ति बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाएगा, गली फसलें कहलाता है या एले क्रॉपिंग या बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी, ठीक है। बी यानी कि गली फसलें और एले क्रॉपिंग दोनों कहा जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गेहूँ व सरसों की अंतरा फसल पद्धति में गेहूं और सरसों की पंक्तियों का अनुपात कितना रखा जाता है? 4:1, 6:1, 8:1 या 9:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9:1, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादकता बढ़ाना, फसल उत्पादन बढ़ाना, मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखना या मृदा कटाव को रोकना। तो फसल चक्र का जो मेन कार्य होता है वो होता है मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्न में से एले फसलों का उदाहरण है, एले क्रॉप्स का उदाहरण यहाँ पे पूछ रहा है, हल्दी, अदरक, शकरकंद या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, हल्दी भी है, अदरक भी है, शकरकंद, यानी कि तीनों जो हैं एले फसल के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से C3 का उदाहरण है, आपको बताना C3 प्लांट का उदाहरण कौन सा है? मक्का है, बाजरा है, गन्ना है या धान है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो C3 का जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा धान, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी गन्ना, बाजरा और ये मक्का, ये C4 प्लांट के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से C4 का उदाहरण है, इसमें से C4 का उदाहरण बताना है, मक्का, चौलाई, ज्वार या सभी। तो चौलाई भी सब्जियों की C4 से बिलोंग करती है और ज्वार, मक्का ये सभी जो हैं ये हो जाएंगे C4 पादप, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 दोस्तों। निम्न में से प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पर पूछ रहा है, IAA, IBA, NAA या 2,4-D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, इंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 10। कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन इसमें से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीजन है या IBA है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में मरने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा है? IBA है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है या IBA है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IBA है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 750 से लेकर 1150 एमएम तक होती है, उन क्षेत्रों में खेती करना क्या कहलाता है? शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती या ड्राई लैंड फार्मिंग या सभी? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 750 से लेकर 1150 एमएम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों पर अगर हम खेती करेंगे तो वह क्षेत्र हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से रंध्र बंद करने वाला प्रति उत्सर्जक पदार्थ कौन सा होता है, जो रंध्र को, स्टोमेटा को बंद कर दे, तो इसमें से बताना है कौन सा वो उत्सर्जक पदार्थ है? केओलिन, PMA, मोबिलीफ या साइकोसेल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, PMA। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, मिनी वाटर शेड का एक कमांड क्षेत्र कितना होता है? 1 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर, 1000 से लेके 10000 हेक्टेयर या 0 से लेके 10 हेक्टेयर? काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 से लेके 100 हेक्टेयर जो होता है ये मिनी वाटर शेड का कमांड क्षेत्र होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसमें वर्षा जल बहाव को एकत्रित कर एक बिंदु से निकालकर नदी आदि से जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, वाटर शेड कहलाता है, वाटर डिग्री कहलाता है या खंडन कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा वाटर शेड कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र पूछ रहा है, एमबी हल, डिस्क हल, देसी हल या सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमबी हल, ये भी प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है, डिस्क भी होता है और देसी हल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है, आपको बताना है मिट्टी पलटने वाला यंत्र कौन सा नहीं है? एमबी हल, रोटावेटर, डिस्क हल या देसी हल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी देसी हल जो है ये मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, प्याज और लहसुन कौन से कुल से संबंधित है, फैमिली बताना है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं प्याज और लहसुन? दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एलिएसी, लिलिएसी, एमरेंथेसी या एपीएसी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी का फसल है, द्विवर्षीय सब्जी की फसल इसमें से बताना है कौन सी है, शलजम, मूली, प्याज या सभी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी के सभी। ठीक है, द्विवर्षीय फसलें हैं, अगर हमको सीड प्रोडक्शन करना है, खाने में भी प्रयोग करना है और सीड भी प्राप्त करना है तो ये द्विवर्षीय हो जाएगी, चाहे प्याज हो, चाहे मूली हो, चाहे शलजम, तीनों। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी नहीं है, द्विवर्षीय सब्जी नहीं है प्याज, फूलगोभी, परवल, गाजर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ परवल जो है ये द्विवर्षीय नहीं होता, ये बहुवर्षीय होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पर, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिवस निष्प्रभावी सब्जी वाली फसल कौन सी है? ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट, जो डे न्यूट्रल सब्जी कह सकते हैं, कौन सी इसमें से फसल है, बैंगन है, मिर्च, भिंडी या सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सभी जो है
ये दिवस निष्प्रभावी सब्जी है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे बैगन, भिंडी, मिर्च ये दिवस निष्प्रभावी सब्जी है, DNP जिसको कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट वाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एकलिंगी सब्जी फसल है, परवल, चौलाई, कुकुरबिट्स या सब्जी। एकलिंगी यहाँ पे पूछ रहा है, तो एकलिंगी का उदाहरण परवल भी है, चौलाई भी है और कुकुरबिट्स भी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एकलिंगी डायोसियस पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर परवल होगा। ठीक है, एकलिंगी का उदाहरण परवल होगा, ना कि चौलाई, कुकुरबिट, सभी ये सब नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परवल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है? लाल रंग जानते हैं लाइकोपीन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर येलो कलर पूछा है, तो येलो कलर किसके कारण होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन या जेंथोफिल, या ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों, यहाँ पर लाइकोपीन और कैरोटीन दोनों कारण इसमें ये येलो कलर आ जाता है। रेड कलर पूछे तो लाइकोपीन, अगर येलो कलर पूछे तो कैरोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान देखिए, कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 350 से लेके 400 ग्राम, 100 से लेके 150 ग्राम, 500 से लेके 750 ग्राम पर हेक्टेयर, या 150 से लेके 200 ग्राम पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 150 से लेके 200 ग्राम टमाटर की प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं, वो भी हाइब्रिड की, संकर की यहाँ पे पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पंजाब छुआरा किस्म किसकी है? खजूर की है, बेर की, परवल या टमाटर? काफ़ी फेमस वेराइटी है पंजाब छुआरा, तो ये हो जाएगी टमाटर की वैरायटी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 27। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फल संरक्षित या रक्षात्मक खाद्य कहलाता है? खजूर, अनार, टमाटर या बैंगन? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, टमाटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। गोल्डन फ्लैग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस फसल का है? कद्दू का है, आलू का है, शकरकंद का, टमाटर का? गोल्डन फ्लैग पूछ रहा है फिजियोलॉजिकल, तो ये हो जाएगा टमाटर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है गोल्डन फ्लैग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। हाड़ा बीटल किस फसल का कीट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कीट है हाड़ा बीटल, तो किस फसल का प्रमुख कीट है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, मिर्च, कद्दू या बैंगन। तो हाड़ा बीटल जो है ये बैगन का प्रमुख कीट है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। पूसा बिंदु किसकी किस्म है? भिंडी की है, टमाटर की है, बैगन की है या टिंडा की है? तो पूसा बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बैगन की किस्म है पूसा बिंदु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। प्रारोह एवं फल छेदक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? टमाटर का, मिर्च का, बैगन का या भिंडी का? तो प्रारोह और फल छेदक कीट जो है ये कीट प्रमुख हो जाएगा बैगन का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। बैगन में लिटिल लीफ व्याधि किस कारण होती है? जेडन की कमी, सीओ की कमी, माइकोप्लाज्मा की कमी या फाइटोप्लाज्मा की कमी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइटोप्लाज्मा के कारण इसमें लिटिल लीफ होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। अर्का लोहित और अर्का मेघना किसमें किसकी है? लौकी की है, टिंडा की है, बैंगन की है या मिर्च की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्का लोहित और अर्का मेघना जो है ये मिर्च की किस्में हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पक्के फलों का गलन रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? टमाटर का है, बैंगन का है, मिर्च का है या टिंडा का है? पक्के फलों का गलन रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मिर्च का, मिर्च का रोग है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। टमाटर और भिंडी मूल रूप से किस जलवायु के पौधे हैं? शीतोष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण या उष्ण? तो टमाटर और भिंडी जो है मूल रूप से ये उष्ण जलवायु के पौधे माने जाते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो
तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, खरीफ ऋतु में भिंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर या सभी? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 से लेके 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, हरभजन किस्म किसकी है? काफ़ी फेमस वेरायटी है हरभजन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टमाटर, भिंडी, मटर और बी और सी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी, भिंडी की भी किस्म है और मटर की भी किस्म है, ठीक है। हरभजन दोनों की किस्म है, मटर भी याद रखेंगे और भिंडी भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों में क्लब रोट रोग किससे होता है? क्लब रोट रोग किससे होता है? फंगस से, जीवाणु से, या वायरस से, या माइकोप्लाज्मा या प्लाज्मोडियम द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्लब रोट जो होता है ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, क्रूसीफेरी कुल की फसलों में सफ़ेद रोली जिसको वाइट ब्लास्टर रोग कहा जाता है, रोग किससे होता है? उस फंगस का नाम बताना है, किसके द्वारा होता है सफ़ेद रोली रोग पूछ रहा है। तो ये होता है एल्विगो कैंडिडा द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, डायमंड बैक मोथ जिसको डी बी एम के नाम से जाना जाता है, कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? तिल का, कद्दू का, बैंगन का या पत्ता गोभी का? तो ये जो प्रमुख कीट माना गया है ये पत्ता गोभी का प्रमुख कीट माना गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा स्नोबॉल किस्म किसकी है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, सलजम या गांठ गोभी? बहुत बार एग्जाम पूछा गया है पूसा स्नोबॉल किस्म किसकी है, तो ये हो जाएगी किस्म फूल गोभी की, याद रखेंगे, ना कि पत्ता गोभी की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा होता है? रेसिनेस, व्हिपटेल, होलोप स्टेम या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सभी, चाहे रेसिनेस हो, व्हिपटेल, होलो स्टेम, सभी सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कह रहा है पूसा हरित किस्म किसकी है? पूसा हरित पूछा है, किस्म बतानी है, कौन सी सब्जी की है? करेले की है, पालक की है, पत्ता गोभी की या लोबिया की है? तो पूसा हरित जो किस्म है ये पालक की किस्म है, याद रखेंगे पालक, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है गोमा मंजरी किसकी किस्म है? तो गोमा मंजरी बताना है वैरायटी किसकी है, बैर की है, आंवला की है, पालक की है या ग्वार की है? तो गोमा जो मंजरी है ये किस्म हो जाएगी ग्वार की, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रचना वैरायटी बताना है किसकी है? टमाटर की, मटर की, मिर्च की, भिंडी की? तो रचना जो वैरायटी है ये मटर की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, स्वर्ण रेखा एवं स्वर्ण अलौकिक किस्म किसकी है? लौकी की है, कद्दू की है, तुरई की है, परवल की है? तो ये भी काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वैरायटी है, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक, तो ये दोनों ही किस्में हो जाएंगी परवल की किस्में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, करेले की किस्म कौन सी है? अर्का हरित, पूसा विशेष, प्रियंका या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी सभी जो किस्में हैं ये करेले की हैं, प्रियंका है, पूसा विशेष, अर्का हरित, तीनों ही याद रखेंगे आप दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पूसा विश्वास किस्म किसकी है? परवल की है, कद्दू की है, लौकी की है या तुरई की है? तो पूसा विश्वास की पूछा है वैरायटी, तो ये कद्दू की वैरायटी है पूसा विश्वास, याद रखेंगे डी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, दुर्गापुरा मधु किसकी वैरायटी है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी? ये भी एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, दुर्गापुर मधु, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खरबूज की किस्म है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, लौकी की उन्नत किस्म कौन सी है? पूसा समृद्धि, सम्राट, पूसा मेघदूत या सभी? तो लौकी की जितनी भी किस्में देख रहे हैं तीनों
लौकी की उन्नत सील किस्में हो जाएंगी, पूसा मेघदूत है, सम्राट है और पूसा समृद्धि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, अर्का ज्योति और अर्का ऐश्वर्या इसमें किसकी है, तरबूज, खरबूज, खीरा, कद्दू। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, तरबूज की किस्में हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरबूज की सामान्यता बीज दर कितनी रखते हैं, 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कद्दू की फसल में रेड पंपकिन बीटल कीट कौन सी अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट कीट है रेड पंपकिन बीटल कीट जो है, ये कद्दू का प्रमुख कीट माना जाता है। तो बताना है कौन सी अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है, लट की अवस्था, वयस्क, या दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है, वयस्क हो जाता तभी नुकसान पहुंचाता है, गर्भ रहता है ठीक है, लट रहता तभी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 54, खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य अवस्था होती है, पिंड, डेग, गंडोरा या डोका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोका अवस्था, खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य अवस्था मानी गई है डोका अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल में परागण क्रिया मनुष्यों द्वारा संपन्न कराई जाती है, अनार में, अनानास, आंवला, अनार या खजूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खजूर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, चित्तीदार किस्म किसकी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है चित्तीदार, आम है, अमरूद, अनार या नींबू। तो चित्तीदार जो है अमरूद की वैरायटी है, डी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, बैर की किस्म कौन सी है, टिकड़ी, इलायची या केथली या सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी की सभी किस्में बैर की हैं ठीक है, केथली है, इलायची है, टिकड़ी है, इलायची तो किस्म सीडरेट है। यहाँ पे देखेंगे 58 नंबर, थार सेविका किस्म किसकी है, खेजड़ी, लहसुआ, आंवला या बैर। थार सेविका वैरायटी पूछा है तो ये बैर की हो जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, सिट्रस कैंकर रोग का वाहक कीट कौन सा है, एफिड है, साइला है, लीफ माइनर है या लेमन बटरफ्लाई है। तो यहाँ पर सिट्रस कैंकर रोग का वाहक जो कीट माना जाता है लीफ माइनर माना जाता है ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीफ माइनर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पपीता की मादा लिंगी किस्म कौन सी है, पूसा ज्वाइंट है, पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा डेलेसियस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा पूसा डेलेसियस, ये पपीता की मादा लिंगी किस्म है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, तो सिट्रस वाली जितनी भी क्राप्स होती हैं उसके अंदर लिटिल लीफ जो होता है किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी, बोरान की कमी, यमयन की कमी, जेडन की कमी। तो ये हो जाएगा सीयू, कॉपर की कमी से हो जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, केले में बंची टॉप रोग जो होता है इसका वाहक कौन सा है, एफिड है, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड पॉम वीवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एफिड के द्वारा ही बंची टॉप फैलाने का प्रसार का काम करता है, बंची टॉप एक प्रकार का वायरस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, मादा के ताव यानी कि गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय या प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है, जब हीट पीरियड में फीमेल आती है तो सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय और प्रभावशाली वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोक्सिन या टोस्टेरोन या स्ट्रोमन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बकरी में यौना आरंभ की अनुमानित आयु कितनी होती है, आपको बताना है कब बकरी युवा हो जाती है, यौना अवस्था आरंभ हो जाते हैं, उसकी आयु बताना है, एज बताना है, 4 से 12 माह, 6 से 18 माह, 18 से 24 माह या 10 से 24 माह।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 18 माह में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, रक्त का पीएच मान सामान्यता होता है 6.8, 7, 7.4 या 6.4। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा 7.4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, लंगड़ा बुखार रोग का कारक क्या है। तो लंगड़ा जो बुखार होता है पशुओं में, उसका कारक यहाँ पे बताना है, किसके कारक होता है। तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम चेवुआई, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम चेवुआई, इसके द्वारा लंगड़ी बुखार हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बछड़ों में निष्काकलिकायन हेतु उपयुक्त आयु बताना है, डी बर्डिंग के लिए उपयुक्त एज कितनी होती है बछड़ों की, जो सींग होती है उसको बर्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो एज पूछा है कितनी आयु पर किया जाता है, 4 से 10 दिन में, 4 से 6 माह पे, 4 से 6 सप्ताह या 6 माह से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से लेकर 10 दिन के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, ट्रोकाल कैनूला उपकरण का उपयोग अधिकतर गौवंश के उपचार हेतु किया जाता है, किस रोग के लिए, ये आपको बताना है। तो ट्रोकाल कैनूला का उपयोग हम लोग जब पशुओं में आफरा रोग हो जाता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, दानों में समानता क्रूड फाइबर कितना होता है, 24%, 20%, 18% या 18% से कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 18% से कम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है सही कथन, आपको इसमें से देखना सही कथन कौन सा है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम और टीडीएन 60% से अधिक। तो यहाँ पर हम पीछे बता चुके हैं क्रूड फाइबर कितना होना चाहिए, 18% से कम, तो यहाँ देख सकते हैं 18% से कम होना चाहिए और टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, यदि 1 ग्राम वसा है तो उससे कितनी कैलोरी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते हैं 100 क्वेश्चनों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हे बनाने में सूखे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40% से, 30% या 15%। तो हे की बात कर रहा है, तो हे में ध्यान दिया जाता है 15% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी है। तो अगर भैंस का वेट 100 किलोग्राम है तो शुष्क आहार का कितना उसको देंगे, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 किलोग्राम, अगर 200 की है तो यही 6 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 दोस्तों, पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत काम में लेते हैं, 10 से 12, 7 से 9, 2 से 5 या 1 से 2। तो पशुशाला की अगर सफाई करना है तो उसके लिए फार्मलिन का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज याद होना चाहिए 2 से लेकर 5% तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, 5 से लेकर 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है, छोटे चूजे हैं 5 से 7 दिन के, तो कौन सा टीकाकरण उसमें करेंगे, मेरेक्स का, रानीखेत या फाइड पॉक्स या बर्सल का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेरेक्स, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76,
76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 76 का ए, कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, फेरोइंग है, फेरोइंग किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भेड़ में ब्याने की क्रिया है, सूरी की ब्याने की क्रिया है, बकरी की ब्याने की क्रिया है या घोड़ी की ब्याने की क्रिया है? तो फेरोइंग बताना है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, सूरी के ब्याने की क्रिया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल बताना है, चोखला है, नाली, सोनाड़ी या मालपुरा? तो राजस्थान की सबसे महीन ऊन उत्पादन वाली जो भेड़ की जो नस्ल है वो हो जाएगी चोखला, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको सेकंड मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है चोखला को, या राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी इसको जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 60, 62, 54 या 64? तो गाय के अंदर गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर 60, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, गाय का वैज्ञानिक नाम देसी गाय है तो बॉस इंडिकस, और विदेशी गाय है तो बॉस टार्टस, दोनों चीज़ आप याद रखें। क्रोमोजोम पूछे तो 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती क्या कहलाती है? तो वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नल्ली पेरा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नल्ली पेरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, गायों में बैक्स डिजीज को कहते हैं, बैक्स डिजीज है एक गायों में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ब्रुसेलोसिस, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, डाईएस्टर्स या प्रोएस्टर्स या मेटएस्टर्स या एनएस्टर्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डाईएस्टर्स, ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी एस्ट्रा में कितनी मात्रा सीमन की होती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनी एस्ट्रा में बताना है सीमन की मात्रा कितनी होती है, 1.2 ml, 0.5 ml या 0.25 ml या 1 ml? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 0.25 ml, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, सांप के जहर के प्रति अच्छा औषधि कौन सा है इसमें से? पोटेशियम परमैंगनेट, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सांप के जहर के प्रति अच्छी औषधि माना गया है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, कौन सी धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है, ठीक है, कौन से धातु के यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो जाए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं, फेरिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा धातु का यौगिक पशुओं को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, तो निर्माण में जो सहायक होता है वो कोबाल्ट क्लोराइड होता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय होता है, तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें जो अमाशय होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है एबोमेजम, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एबोमेजम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 87, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? तो रतौंधी रोग जो है तो होता है दोस्तों वो होगा किसकी कमी से, आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, लोहा, जिंक, कॉपर या आयोडीन? तो घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर, क्वेश्चन कह रहा है पाश्चुरेला माल्टासिडा का कारक है, एंथ्रेक्स का, लंगड़ी बुखार का,
ब्रुसेलोसिस का या गलघोटू का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गलघोटू का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 90, गर्भपात होना विशेष लक्षण है। तो गर्भपात होना विशेष लक्षण है किसका? ब्रुसेलोसिस का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क फीवर रोग होता है जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, या मेटाबॉलिज रोग है, या रक्त परजीवी रोग है। तो मिल्क फीवर रोग बताना है ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है मेटाबॉलिक रोग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना ही जीवाणु द्वारा होता है, ना ही विषाणु द्वारा होता है, ना ही परजीवी द्वारा होता है। मिल्क फीवर जो होता है ये कैल्शियम की कमी के कारण भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा है प्रोजेनी टेस्टिंग है, नर सांड के चयन की विधि है, गाय के चयन करने की विधि है, घोड़े की चयन करने की विधि, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, नर सांड के चयन करने की विधि है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सांड, घोड़ा, सुअर या भैंसा। तो सीमन की मात्रा पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुअर के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, लिक्विड नाइट्रोजन या द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -190, -173, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भैंस में मध चक्र की लंबाई होती है 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन या 25 दिन। तो भैंस के अंदर जो मध चक्र की जो समय होता है कितने दिनों का होता है, ये हो जाएगा 21 दिन का। ठीक है, गाय और भैंस दोनों का 21 दिन का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 96, असत्य कथन कौन सा है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चिकन कहते हैं, या गाय के मांस को बीफ कहते हैं, या भैंस के मांस को बफन कहते हैं। तो इसमें से असत्य कथन छांटना कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बकरी के मांस को चिकन नहीं कहते हैं, चेवन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। बाकी भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, सही है, गाय के मांस को बीफ, और भैंस के मांस को बफन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, PFA 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक मान क्या है, फैट की मात्रा 3, SNF की मात्रा 8.5, या फैट की मात्रा 3.5, SNF की मात्रा 9, फैट की मात्रा 4, SNF की मात्रा 8.5, फैट की मात्रा 3.5, या SNF की मात्रा 8.5। तो इसमें से बताना है या PFA 1954 के अनुसार गाय के दूध का मानक क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, फैट की मात्रा 3.5 और SNF की मात्रा 8.5। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे स्वतंत्र वसा की मात्रा पूछ रहा है, घी के अंदर कितनी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0.5% से अधिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्रा रोग का कारक क्या है। सर्रा रोग किसमें होता है, पहली बात ऊँट के अंदर होता है, ऊँटों के अंदर प्रमुख बीमारी सर्रा रोग होती है, ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो उस प्रोटोजोआ का नाम बताना है, इसमें से चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्रा रोग होता है टिप्नोसोमा इवाइन्सी द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टिप्नोसोमा इवाइन्सी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एंटीसेप्टिक नहीं है, इसमें से बताना कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, बोरिकम, लाइसोल, लाल दवा या डिटोल। तो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, तो एंटीसेप्टिक इसमें से बताना है कौन सा नहीं हो जाएगा। तो लाइसोल जो है ये हमारा एंटीसेप्टिक नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बोरिक एसिड, लाल दवा, डिटोल, ये सब तीनों तीनों एंटीसेप्टिक हैं। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर नया वीडियो लेके आएंगे 100 क्वेश्चनों को। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।